ये दरअसल है क्या कि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं देश के बारे में, इन सवालों का कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं है। अगर वो ये उठा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जवाब तो आपको यूँ देना पड़ेगा ना कि जिस बात को वो कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो बातें कही मिलती जुलती बातें उसी तरह की अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया वियतनाम पहुंच के। और वो भी नहीं कि अचानक कहा, जब वह भारत में थे नई दिल्ली में उनकी द्विपक्षीय मुलाकात के बाद, अगर उनके साथ आए हुए समाचार पत्र प्रतिनिधियों से उनको बात करने की अनुमति आप नहीं देते हैं तो आप संदेश क्या देते हैं? आप वही उन्हीं आरोपों की पुष्टि करते हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? क्या आलोचना, असहमति और विपक्ष के बगैर लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? अगर इसके बगैर नहीं की जा सकती तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं आपके पास उसका जवाब है नहीं, तो आप ये कहिए कि साहब हेमंत बिस्व शर्मा साहब कह रहे हैं कि गांधी सरनेम कहाँ से आ गया। अरे आपका विषय थोड़े है ये, जो विषय इनका नहीं है उसी विषय पर बात करते हैं। और इनको इस बात का हमेशा ये भय है कि ये जो नेता हैं ये अपने राजनीतिक गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ एक जो विरोधी माहौल बन रहा उसके लिए ये काम कर रहा है। तो इनको विश्वसनीय बनाने की यह कोशिश है, लेकिन अभी होने वाला नहीं है। देखिए ये जितनी बातें होनी थी हो चुकी, अब सवाल यह है कि आप 9.5 साल से 10 साल से सत्ता में हैं वर्तमान में, और इसके पहले भी आप 10 साल सत्ता में रह चुके हैं, 6 साढ़े 6 साल 7 साल के लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मोरारजी देसाई साहब की सरकार में आप थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आपने चलाई, तो आप नहीं कह सकते कि आप सत्ता में नहीं है। तो आपको अपने गवर्नेंस की जिम्मेदारियों का, उत्तरदायित्वों का हिसाब देना है। लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि नोटबंदी का क्या हुआ, आपसे लोग ये पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी हल करने के बारे में आपने किया क्या, लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि महंगाई का क्या हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि साहब इनको गांधी सरनेम रखने का अधिकार नहीं है। ये कौन तय करेगा? ये सवाल कहां से पैदा हो गया? आप अपने गवर्नेंस के जिम्मेदारियों का हिसाब किताब देने के बजाय जो जनता के बीच से सवाल उठ रहे हैं उनके बजाय आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो आपको सुनेगा कौन? आप आजाद हैं कुछ भी कहने के लिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, आपको कुछ भी कहने का हक है। लेकिन प्रश्न यह है कि आप जो बात कर रहे हैं उसको सुन कौन रहा है? मुझे तो नहीं लगता किस देश की जनता इस बात को सुनने के लिए तैयार है। और अगर इनकी बात को लोग सुन रहे होते तो जब जो अभी 6 राज्यों में 7 जगहों पर चुनाव हुए वहां पे परिणाम सामने नहीं आते, लोग इनके साथ खुले खड़े होते। अगर उत्तर प्रदेश की जनता एक विधानसभा क्षेत्र में 57% लोग इनके खिलाफ चले गए तो ये गांधी का सवाल थोड़ा है कि किसने गांधी सरनेम रख लिया और किसने नेहरू सरनेम रख लिया। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आप सत्ता में हैं, सत्ता में रह के आपने क्या किया, इसका जवाब आपके पास नहीं है। और राहुल गांधी, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी ने विदेश में ये सवाल पैदा लोग कर रहे हैं कि G20 के दौर में राहुल गांधी को स्वदेश में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? पूरी सरकार यहाँ पे है। और दूसरी चीज कि इस सरकार ने विपक्ष को पूरे आयोजन में शामिल करने का प्रयास कहाँ किया? ये कहाँ लगा कि ये पूरे देश का आयोजन है और पूरे देश की जनता इसमें शामिल है? विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप पूरे आयोजन में तमाम चित्र चल रहे हैं, तमाम वीडियोज घूम रहे हैं, आप उसमें देखेंगे सरकार के वरिष्ठ नेता मंत्री नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कहीं, किसी वरिष्ठ नेता को कहीं भी किसी आयोजन में आप नहीं देख सकते, किसी विदेशी प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात हो रही हो, मुलाकात कराई जा रही हो, उनके बीच कोई बातचीत हो रही हो, सिवाय विदेश मंत्री के और वित्त मंत्री के। तो न तो विपक्ष को आपने शामिल किया, न सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को आपने शामिल किया, न विपक्ष के नेता को आपने शामिल किया, तो ये तो सरकारी आयोजन बनकर रह गया। और आप इस आयोजन को शुरू से देखिए कि इस आयोजन के तौर तरीकों के लेकर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दुनिया के किसी भी देश ने अपने यहाँ इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अपने स्थानीय नेता का इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जो हिंदुस्तान में किया गया। लगभग हर अखबार लिख रहा, कोई ऐसा अखबार नहीं जिसने विदेशी अखबार जिसकी चर्चा न कर रहा हो। और आप खुद भी जाके देखेंगे कि मतलब केवल उन जो भाग लेने वाले प्रतिनिधि देश हैं उन देशों के झंडों के अलावा कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। यहां तक कि चीन में भी इस तरह का प्रचलन नहीं रहा,
लेकिन ये अब तो जो ये बात कही जा रही है, जो बड़े नेताओं ने भी इस बात को कहा और समाचार पत्र प्रतिनिधियों ने भी कहा कि ये लग रहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री अगर होने वाले चुनाव के मद्देनजर अपना प्रचार करने के लिए लगे हुए थे। क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में इस तरह के आरोप कहीं से भी किसी भी देश के लिए श्रेयस्कर है क्या? अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? अगर आप लोगों को शामिल नहीं करेंगे, देश की इससे जुड़ी हुई जनता का सवाल आप उसमें शामिल नहीं करेंगे, और आपको हासिल क्या हुआ? अगर आपसे पूछे कि G20 के इस आयोजन के बाद इस देश में निवेश की क्या स्थिति हुई, कौन सा निवेश आपने आमंत्रित कर लिया सिवाय एक बाजार बनने के अलावा, कौन सी आपकी ख्याति होगी? अगर आप ये कहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को आपने सदस्यता दिलवा करके अफ्रीकन देशों के नेतृत्व के लिए आप आगे बढ़ गए हैं, आपके इस पहल के कितने पहले चीन वहां घुसपैठ कर चुका है। ब्रिक्स के दौरान ही इस बात का ये दिखाई पड़ा कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष को किस तरह का सम्मान मिला और हम लोग कहां रह गए। सवाल ये नहीं है, सवाल यह केवल कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा वह इतने गंभीर हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। और उसी से विषयांतर करने के लिए आप चाहे गांधी सरनेम का सवाल उठा दीजिए चाहे नेहरू सरनेम का सवाल उठा दीजिए। जी शुरू हो रहा है चूंकि इसका एजेंडा अभी साफ साफ नहीं है, इसमें सरकार किस रूप में आएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस एजेंडे को भी विपक्ष ने हाईजेक कर लिया है। सोनिया गांधी की जो चिट्ठी है बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम विपक्ष ने अपना एजेंडा साफ कर दिया कि वह किन मुद्दों पर बात करना चाहती है या देश के सामने कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। इस चिट्ठी के माध्यम से विपक्ष ने भी सवाल पैदा कर दिया कि विशेष जो सत्र होते हैं उसमें विधायी कार्य नहीं होते, कभी नहीं हुआ है, यह विधायी कार्य इन्होंने ही पहली बार किया। इसके पहले जब जब भी विशेष सत्र बुलाया गया वो सेरेमोनियल सत्र हुआ हमेशा से, चाहे वो 1857 की क्रांति का 85वीं वर्षगांठ मनानी हो, चाहे देश की आजादी की रजत जयंती मनानी हो, जब कोई भी आयोजन रहा वो एक सेरेमोनियल तरीके से उसको मनाया गया। ये पहली बार 2017 में इन्होंने ला करके वो ये बिल पास किया GST का, अन्यथा एक विधायी कार्य के लिए इस तरह के सत्र बुलाए नहीं जाते रहे। आने वाले दिनों में जो विपक्ष का एक आक्रामक रवैया सरकार के सामने वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर आप इसे निकलें कैसे। अडानी का मुद्दा बंद नहीं होने वाला है, अडानी के मुद्दे पर जितना ही आप चुप रहेंगे या जितना ही आप इसको लीपा पोती करने का सवाल करेंगे वह और मुखर होकर के लोगों के सामने आएगा, क्योंकि अडानी का मुद्दा केवल इस बात का विषय नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार किया। अडानी का मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री के कार्यालय से संरक्षण मिलने का आरोप है। उस मामले में यह आरोप है कि लोगों के जो सामान्य निवेशक है उसके पैसे का दुरुपयोग किया गया, बढ़ा चढ़ा करके शेयरों की कीमत बनाई गई और उनसे बीमारी पैसे लिए गए। तो इस तरह के गंभीर आरोप है। सरकार द्वारा एक उद्योगपति को लगातार संरक्षण दिए जाने का आरोप है। सरकार द्वारा उस उद्योगपति को विदेशों में सरकार के संरक्षण में सरकार की पहल पर व्यवसाय की अनुमति दिए जाने का सवाल है। अडानी का मुद्दा एक सामान्य मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज यह है कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी के साथ जो बातें कही जा रही हैं, आखिर इस तरह की आपने राजीव जी कभी देखा है कि आप किसी देश में 20-25-50 विदेशी अतिथि आने वाले हो, राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हो, और उस देश में स्वयं सरकार अपने देश के नाम को लेकर विवाद पैदा कर दे? इस पर बहस चलने की इस देश का नाम क्या होगा? आपके दरवाजे पर लोग खड़े हैं, उनको आपको रिसीव करना है। आप इंडिया के प्रतिनिधि होकर रिसीव करना चाहते हैं कि भारत के प्रतिनिधि रिसीव करना चाहते हैं? ये कहीं दुनिया में हुआ है क्या? ये पहली बार ये हुआ, ये कहीं हुआ हो? मैंने कोई अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के आयोजन किसी देश में हुए हो, उस देश में आप इस तरह के विवाद पैदा करें कि कितने पूरे पूरे शहर को बंद कर दिया जाए? ये चर्चा होने लगे अखबारों में कि साहब आपके बंदी की वजह से किसी देश का प्रधानमंत्री लोगों से मिल नहीं पाया, उनको यहाँ जाना था, उनको वहां जाना था। कहीं नहीं हुआ आज तक, ये कहीं इस तरह के विवाद नहीं पैदा किए गए। ये जो सवाल हो रहा है ना कि जो राहुल गांधी सवाल पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस जो सवाल पैदा कर रही है, इंडिया तो सबोस जो सवाल पैदा कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। इसीलिए नाम के विवाद पैदा करो आप, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो चीज संभव नहीं है। अगर आप करना भी आज चाहें तो एक राष्ट्र एक चुनाव संभव नहीं है, न तो आपके पास इतने संसाधन है और न तो आप इतने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप ला सकते हैं।
तो आप इस तरह की चर्चा क्यों चलाना चाहते हैं? भारत और इंडिया एक है, संविधान हमारा कहता है, अब उसमें एक नया आप भारत का नाम प्राप्त करना चाहते हैं, आप कर नहीं सकते हैं। उसके लिए जो संशोधन की प्रक्रिया चाहिए वो आपके पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी राजनीतिक जन समर्थन राजनीतिक समर्थन आपके पास नहीं है। तो केवल इसी तरह के विषय पैदा करके जो मूल विषय है उनसे ध्यान हटाने की कोशिश चाहिए। और G20 बताइए, 75 साल हो गए इस देश की आजादी के, क्या 2014 में सरकार हार गई तो मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति फेल थी क्या? दुनिया के पैमाने में भारत की प्रतिष्ठा नहीं थी? जितनी प्रतिष्ठा विदेश नीति ने कमाई मनमोहन सिंह के जमाने में, वो उसका उल्लेख उसके उसका उल्लेख नहीं होता देश में, पूरी दुनिया के पैमाने पर नहीं होता। विदेश नीति पर विदेशी कारणों से आप अपने स्थानीय चुनाव नहीं जीतते हैं, संभव ही नहीं है ये। आप 2-4 दिन तक आप इसका माहौल बना लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, और आपको दिखाई पड़ेगा जब G20 के तमाम आयोजन देश के तमाम राज्यों में उनके राजधानियों में आयोजित किए जा रहे थे, उसी सब 6 राज्यों में उपचुनाव हो रहा था। उत्तर प्रदेश में भी आयोजन हुए, घोसी में जहां उपचुनाव हुआ उसके बगल में एक आयोजन हुआ था बनारस में, बड़े पैमाने पर मोदी जी के फोटो लगे थे, तमाम विदेशी प्रतिनिधि आए थे और बहुत चकाचौंध थी। क्या हुआ? आपने क्या रांची में आयोजन नहीं किया था? और वहां पे जो चुनाव हो रहा है डुमरी में, वो उसका असर कोई पड़ा क्या? सवाल है कि जनता से जो जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों का समाधान किए बगैर आप चुनाव में जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अलग की बात है। ये जो फिल्म की बात की अखिल जी ने और प्रशांत जी ने, मैं सोचता था कि आखिर जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, हमारे मित्र हैं, वह इस फिल्म की आलोचना क्यों कर रहे हैं? आज प्रशांत जी की बात से और स्वामी सर की बात से मुझे समझ में आया, जितने हैं, मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि आखिर किन किन लोगों का उसके बारे में जो टिप्पणियां हैं वो खिलाफ आई। एक सज्जन ने तो यहां तक लिखा है कि आप वह गलती मत कर दीजिएगा जो मैंने की थी, मैं फिल्म देखने चला गया और मुझे इतनी बोरियत हुई जो कभी नहीं हुई थी। हमने कहा ऐसा कोई कब से फिल्म के क्रिटिक हो गए? लेकिन वो भाई मैंने इस सरकार के समर्थक है और सत्तारूढ़ दल के समर्थक है। अब मुझे बातें समझ में आई, ये थोड़ी देर बाद में सुन रहा था स्वामी सर की बात कि फिल्म के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर सोचने लगा कि जो हमारे तमाम मित्र हैं वह इतना निगेटिव फिल्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। यह अब स्पष्ट हो रहा है कि उस फिल्म में कहा क्या गया है जो